गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड जीके से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 100 क्वेश्चंस जो हैं उत्तराखंड जीके से रिलेटेड, और उत्तराखंड एलटी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। कोशिश हमारी रहेगी कि विद इन 25 मिनट इस वीडियो को जो जितने भी क्वेश्चन हैं उनको समअप कर लें। तो स्टार्ट कर रहे हैं, पहले नंबर का क्वेश्चन है उस पर चलेंगे हम। ठीक, तो गोली की स्पीड से चलेंगे इसमें, और एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। कुछ वीडियोज हमने अपलोड की हैं उत्तराखंड जीके से रिलेटेड, तो आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तराखंड के निकट जो है .. पर लाल रंग से उकेरी गई मानव आकृतियां प्राप्त हो रखी हैं। तो कहाँ पे हुई है मानव आकृतियां, जो उत्तराखंड में अगर बात करें लाल रंग से जो उकेरी गई मानव आकृतियां हैं, तो ये हो रखी हैं लखुडियार में, और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, लखुडियार से जो बना है, जिसका मतलब है 1 लाख गुफाएं, हमने बताया था सुयाल नदी के तट पर है बाड़ेछिना में। और इसकी खोज अगर बात करें तो डॉक्टर MP जोशी जी ने की थी 1968 में। कब की थी, 1968 में। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र स्थल लखुडियार स्थित है। कहाँ स्थित है लखुडियार, तो अल्मोड़ा में है। ठीक है, अल्मोड़ा बाड़ेछिना सुयाल नदी के तट पर, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, उत्तराखंड के एक स्थानीय देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, यानी कि जो है एप्लीकेशन कहाँ पे लगाते हैं, किस दरबार में, किस देवता के दरबार में जो है लेटर, जो है लेटर के द्वारा अपने न्याय की गुहार लगाई जाती है। तो ये चितई गोलू देवता का मंदिर है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और प्रमोच्च न्यायालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से प्राप्त हो रखे हैं। अशोककालीन अगर शिलालेखों की बात करें तो कालसी देहरादून से प्राप्त हो रखे हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 100 क्वेश्चन हैं, आप भी अपना स्कोर बता सकते हैं। ठीक है, कि आपने कितना स्कोर गेन किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम, स्कंद पुराण की अगर बात की जाए तो गढ़वाल के लिए जो यहाँ पे नाम यूज किया गया हो केदारखंड, और कुमाऊँ के लिए जो नाम यूज किया गया हो क्या है, मानसखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बौद्ध साहित्य के ग्रंथों में उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है या अभिहित किया गया है, तो हिमवंत के नाम से किया गया है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 6th का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम जो है बाड़ाहाट है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाड़ाहाट बड़ा बाजार करके हमने बताया था। और इसी की अगर बात करें उत्तरकाशी का जो पौराणिक नाम है वो क्या है, सौम्यकाशी करके है। ठीक, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कालिदास की रचनाओं में वर्णित कर्णवाश्रम किस नदी के तट पर है, कर्णवाश्रम जो है कौन सी नदी के तट पर है ये पूछा जा रहा है। जो कालिदास की रचनाएं हैं उनमें जो कर्णवाश्रम जो है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो ये मालिनी नदी के तट पर है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, हिंसांग ने अपने यात्रा विवरण में निम्न में से किस स्थान पर एक बौद्ध स्तूप का उल्लेख किया है, तो कौन से स्थान पर इन्होंने बौद्ध स्तूप का उल्लेख किया है, ब्रह्मपुर करके, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से, निम्नलिखित जो मध्यकालीन ग्रंथ हैं उनमें से कौन जो है उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है, तो उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत कौन सा ग्रंथ नहीं है पूछा जा रहा है, बाबा नामा नहीं है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, कुणिंद मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई, जो कुणिंद मुद्रा थी वो कहाँ से प्राप्त हुई ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, प्रत्यूर, देवठुगा, कत्यूर घाटी, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोभीषाण की पहचान किस की गई, कहाँ की गई गोभीषाण की पहचान ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, तो काशीपुर में की गई, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, गोभीषाण काशीपुर। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अल्मोड़ा जिले के कत्यूर घाटी में स्थित कार्तिकेयपुर में वसंत देव ने किस राज्य की स्थापना की, तो कार्तिकेयपुर में जो है वसंत देव ने किस राज्य की स्थापना की ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे, तो कत्यूरी राज्य की स्थापना की। ठीक है, कत्यूर घाटी के नाम से भी फेमस है। ठीक, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा, तो कौन सा है कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान, तो बागेश्वर, ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड में भ्रमण पर आने वाले व्यक्तियों का वर्णन है, तो हर्षवर्धन के जब शासनकाल में उत्तराखंड में जो भ्रमण करने के लिए आए, घूमने के लिए आए, उन व्यक्तियों का जो वर्णन है वो कौन से बुक में है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षचरित में हो जाएगा, बी ऑप्शन 15 का बी।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखिए, किसी सदी के उत्तरार्ध में नागों ने कर्तरीपुर के कुणिंद राजवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया, तो कौन सी सदी के उत्तरार्ध में बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में, तो पांचवीं हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17th है, महाभारत में कुणिंद नरेश .. नाम से जाने जाते थे, कुणिंद नरेश को किस नाम से जाना जाता था, 17th क्वेश्चन, और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्विज श्रेष्ठ के नाम से, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18th है हमारे सामने, प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जातियों इन्हें आरबी कहा गया, तो गढ़वाल क्षेत्र में खस जातियाँ जो थी उन्हें क्या कहा गया, आर्य भी कहा गया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रधानता थी। इनके समय में सबसे अधिक किस धर्म का प्रचार हुआ, तो किस धर्म का जो है सर्वाधिक यहाँ पे प्रचार हुआ, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18th में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म का। क्वेश्चन नंबर 19th है, परमार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई, परमार शासक जो थे उनको शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19th में, तो ये दी गई लोधियों के द्वारा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परमार राजा पृथ्वीपति शाह ने मुगल राजा दारा सिको के पुत्र सुलेमान सिको को अपने यहाँ आश्रय दिया था, इस बात से मुगल शासक अप्रसन्न हुआ था, कौन सा मुगल शासक जो था जो अप्रसन्न हुआ था इस बात से, 20th का आंसर बताएं, तो औरंगजेब जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, डी ऑप्शन। गढ़वाल का राजा जो है गोरखों द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था, तो गोरखों द्वारा पराजित होकर कौन सा गढ़वाल का राजा था जो मारा गया था, क्वेश्चन नंबर 21 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रद्युम्न शाह करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हैं, 22 नंबर का हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा जा रहा है हमसे, निम्न में से पंवार राजवंश में रचा गया सबसे प्राचीन काव्य कौन सा है, पंवार राजवंश में रचा गया सबसे प्राचीन काव्य कौन सा है, तो मानोदय काव्य करके है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, 22 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मानोदय काव्य के रचनाकार कौन थे, मानोदय काव्य जो था उसके रचनाकार कौन थे, 23 की अगर आंसर की बात करें तो चार ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर हो जाएगा कवि भरत करके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, गढ़वाल राज्य की नींव रखने वाले पूछा जा रहा है इसमें, गढ़वाल राज्य की नींव डालने वाला प्रथम राजा कौन था, गढ़वाल राज्य की जो नींव डालने वाला प्रथम राजा था वो कौन था, पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में, तो इसके अगर आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का, बी ऑप्शन हो जाएगा, अजय पाल। क्वेश्चन नंबर 25 आप देख सकते हैं, गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से कौन विख्यात है, तो गढ़वाल की नक्कटी रानी के नाम से अगर बात करें तो कर्णावती रानी को कहा जाता है, और कुमाऊं की झांसी की रानी जिया रानी जिनको न्याय की देवी के नाम से भी जाना जाता है, गढ़वाल की झांसी की रानी जो है तीलू रौतेली, ठीक, ये हमने कुछ क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे। किस किले को फोर्ट मायरा किला भी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लाल मंडी के किले को कहा जाता है जो कि अल्मोड़ा में है, और ये हमने बात की थी जो 1816 में जो है गोरखाओं को पराजित किया गया था अंग्रेजों द्वारा, तो उस टाइम पे जो है 1816 में इन्होंने अपना झंडा वहाँ पे फहराया था, और अपनी खुशी प्रकट करने के लिए इन्होंने क्या किया था, जो उस टाइम के इनके गवर्नर थे तत्कालीन गवर्नर फोर्ट मायरा के नाम पर ही इस किले का नाम रखा था, इस किले को लाल मंडी के किले के नाम से भी जाना जाता है। खगमरा किले के बारे में भी हमने बात की थी, 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था, और अल्मोड़ा में ही है खगमरा किला जो है, ठीक, चंद शासक भीम राजा भीष्मचंद ने किया था 16वीं शताब्दी में, खगमरा के किले की बात चल रही है। 27th का देखिए, किस चंद्रवंशी शासक ने राजभुंगा किले का निर्माण कराया था, कौन से चंद्रवंशी राजा ने राजभुंगा किले का निर्माण कराया था, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोमचंद। क्वेश्चन नंबर 28, कुमाऊं के चंद्र राजवंश की मजबूत शासन व्यवस्था के संस्थापक कौन थे, कुमाऊं के चंद्र राजवंश की अगर मजबूत शासन व्यवस्था के संस्थापक कौन थे, पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बागेश्वर करके, ठीक है।
राजवंश की मजबूत शासन व्यवस्था के संस्थापक बागेश्वर करके हैं, संस्थापक का नाम ही है, ठीक है। 29 के अगर आंसर की बात करें, निम्न में से कहाँ राजकुमार सुलेमान सिकोर ने शरण ली थी, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है, तो गढ़वाल में ली थी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30वें नंबर का क्वेश्चन है, गोरखा शासकों ने अल्मोड़ा पर विजय प्राप्त की, कब प्राप्त की इन्होंने, क्वेश्चन नंबर अगर 30 की बात करें तो 1790 1790, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 30 तक, 31 से आगे बढ़ेंगे। 1815 की अगर बात की जाए तो एसबी में सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में, तो इन्होंने पश्चिमी गढ़वाल में की थी, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत के स्वतंत्र होने के समय जो है गढ़वाल का राजा कौन था, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय जो है गढ़वाल का राजा कौन था, पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 32 में, तो मानवेंद्र शाह, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 33 क्या कहते हैं, गढ़वाल समाचार का प्रकाशन कब हुआ, कब प्रारंभ हुआ गढ़वाल समाचार का प्रकाशन, ये पूछा जा रहा है 33 क्वेश्चन नंबर, और तो इसकी आंसर की बात करें तो 1902 हो जाएगा, 1902 में। गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी, जो गढ़वाल जिला है उस टाइम की अगर बात चल रही है, तो उस टाइम पे 10वीं जो सेटलमेंट रिपोर्ट थी वो किसने तैयार की थी, पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 34 में, तो ई के पॉ ने की थी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर का है, गढ़राज वंश का इतिहास की रचना किसने की, गढ़राज वंश का इतिहास इसकी रचना किसने की, पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 35 में, तो मौला राम ने की, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 36 आधा राज्य अंग्रेजी अधिकार में जाने के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की, तो श्रीनगर से हटाकर इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की, पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 36 में, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टिहरी में। 37 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की, 46 की बात चल रही है, पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी, 37 क्वेश्चन नंबर 37, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, बद्रीदत्त पांडे, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे, कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है इनको। और उत्तराखंड के गांधी की बात करें तो इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है, कुमाऊं केसरी की हमने बात की, गढ़ केसरी के बारे में अभी क्वेश्चन है तो उस टाइम उसको डिस्कस करेंगे। टिहरी को .. ने अपनी राजधानी बनाई बनाया, टिहरी को किसने अपनी राजधानी बनाया, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 में, तो बी सुदर्शन शाह ने बनाया था, अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर क्वेश्चन में। मानवेंद्र शाह ने विलीनीकरण प्रपत्र पर हस्ताक्षर .. में किए, कौन से सन में किए, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 में, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1949 में किए थे। उत्तरकाशी जिले का गठन कब हुआ, हमने इस बारे में बात भी की थी लास्ट वीडियो में भी, तो क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 24 फरवरी 1960 को हमने 3 डिस्ट्रिक्ट्स की बात की थी जो अलग अलग हुए थे यहाँ पे, ठीक, उन डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में आप बताएंगे कमेंट बॉक्स के जरिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ठीक, एक अल्मोड़ा से अलग हुआ था, ठीक, एक जो है गढ़वाल से अलग, और एक ये तो हमने बात की 3 जिलों की, तो लास्ट वीडियो में कर रखी है, तो अगर आपने वॉच नहीं की तो उसको वॉच कर सकते हैं, अगर आप जानते हैं तो आप आंसर जो है जरूर कमेंट कीजिएगा। भारतीय संघ में विलय होने विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था, भारतीय संघ में विलय होने के समय जो है टिहरी राज्य का राजा कौन था, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 41 में, तो मानवेंद्र शाह थे, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे, टिहरी रियासत के प्रथम नरेश की बात की जा रही है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सुदर्शन शाह। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 43 में, तो ये की थी श्रीदेव सुमन ने, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ, टिहरी रियासत का जो है भारतीय संघ में विलय कब हुआ, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 44 में, 1 अगस्त 1949 को हुआ था। फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत बात की जाए तो फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को क्या कहा जाता था, क्वेश्चन नंबर 45 इसका आंसर बताना है, 45 का डी हो जाएगा, तिहाड़ कहा जाता था, ठीक है। खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, खुड़बुड़ा के युद्ध की बात चलिए कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था, 46 में, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 1804 में हुआ था। सिगौली की संधि,
किसके मध्य हुई थी? क्वेश्चन नंबर 47, शिवालिक की संधि किसके मध्य हुई थी? अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य हुई थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिवालिक की संधि कब हुई थी? अब ये तो पता चल गया किसके मध्य हुई थी, अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य, तो कब हुई थी ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 48 में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 28 नवंबर जो है 1815 को हुई थी। राज्य की भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से शुरू हुआ, कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताना है, 1871 में हुआ था, कुमाऊनी भाषा में यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक, अभी के हिसाब से बात करें तो बोली बोला जाता है। ठीक, राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए जो है अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई, क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे पूछा जा रहा है, तो 1912 में हुई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं लगभग 15 मिनट के अंदर, 25 मिनट का हमने टाइम कहा था, तो कोशिश हमारी रहेगी कि कंप्लीट की जाए जो है 25 के अंदर। कुली बेगार आंदोलन कब और कहाँ हुआ था, तो कुली बेगार आंदोलन की बात की जाए कब और कहाँ हुआ था ये पूछा जा रहा है, 51 का सी हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट होगा, 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहते हैं, देहरादून में वर्ष 1920 में किसकी अध्यक्षता में राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया गया? देहरादून में किसकी जो है अध्यक्षता में 1920 में जो है राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया गया ये पूछा जा रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पंडित नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, गांधी जी ने श्रीमद भगवद गीता में पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनाशक्ति योग किस स्थान पर लिखी थी? तो अनाशक्ति योग किस स्थान पर लिखी थी ये पूछा जा रहा है 53 का। 53 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कौसानी। कौसानी को इन्होंने स्विट्जरलैंड के नाम से भी पुकारा था। ठीक, गंगाराम जो है तथा खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए? 54 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, और भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ठीक, सल्ट की घटना कब हुई? सल्ट की घटना के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये हुई थी क्वेश्चन नंबर 55 के अगर आंसर की बात की जाए तो 5 सितंबर 1942 को हुई थी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किया था, किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 56 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गोरखा शासकों ने। श्रीदेव सुमन में शहीद हुए, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए पूछा जा रहा है 57 में, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 25 जुलाई 1944, 25 जुलाई 1944। टिहरी आंदोलन के दौरान किसने जो है 84 दिन तक भूख हड़ताल के बाद प्राण त्याग दिए थे? ये श्रीदेव सुमन ही थे, 25 जुलाई 1944 अभी हमने डिस्कस किया था, श्रीदेव सुमन, 58 का ए। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान सकलानी विद्रोह और कीर्तिनगर आंदोलन हुए, कब हुए थे ये पूछा जा रहा है, टिहरी उसके दौरान सकलानी विद्रोह कीर्तिनगर आंदोलन हुए पूछा जा रहा है क्रमशः, ये पूछा जा रहा है 59 में 59 के आंसर की बात की जाए तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1943 और 1944 में। उत्तराखंड में शराब विरोधी जो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? शराब विरोधी जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी। 61 कालू मेहरा संबंधित थे, किससे संबंधित थे? तो 61 के अगर आंसर की बात की जाए तो 1857 के विद्रोह से संबंधित थे। कालू मेहरा की मृत्यु के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? कालू मेहरा की जब मृत्यु हुई तो उस टाइम कुमाऊं का कमिश्नर कौन था पूछा जा रहा है 62 में, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सर हेनरी रैमजे करके, रैमजे नाम से ही अल्मोड़ा में एक इंटर कॉलेज भी आपको पता है, रैमजे इंटर कॉलेज करके। 63 की अगर बात की जाए, भारतीय चित्रकला के अमूल्य ग्रंथ गढ़वाल पेंटिंग्स की रचना किसने की? गढ़वाल पेंटिंग्स की रचना किसने की ये पूछा जा रहा है 63 में, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मुकुंदी लाल करके। वर्ष 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी, तो 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी कह रहा है, किसके उसमें हुई थी, किसने की थी कहने का मतलब है, 64 का आंसर हमें बताना है, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जिनके नाम पे पीजी कॉलेज भी है बागेश्वर में। खुशीराम ने दलितों को किस नाम से संबोधित किया?
65 का आंसर हमें बताना है। तो खुशीराम ने जो है दलितों को किस नाम से जो है संबोधित किया, शिल्पकार नाम से, शिल्पकला यहीं से वर्ड बनता है। ठीक, वर्ष 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना किसने की थी, 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना किसने की थी, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन 64 में। यह ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। 66 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चमोली के रैणी गांव में किसने, किसके नेतृत्व में वन कटाई आंदोलन का जो है, वन कटाई के विरोध में आंदोलन किया गया था, यानी कि वनों से संबंधित आंदोलन आपको पता है किसके नेतृत्व में किया गया था। 66 का आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गौरा देवी चिपको आंदोलन करके आपने सुना होगा। गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, कुमाऊं केसरी हमने बात की थी, पंडित भद्रदत्त पांडे और गढ़ केसरी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 67 का बी हो जाएगा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा करके बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है, हमने ऑलरेडी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इंद्रमणि बडोनी। उन्नीस सौ 38 में पृथक राज्य की मांग हेतु किसने दिल्ली में गढ़देश सेवा संघ नाम से एक संगठन चलाया, गढ़देश सेवा संघ नाम से किसने जो है एक संगठन चलाया, ये पूछा जा रहा है पृथक राज्य की मांग के लिए। उत्तराखंड राज्य की अगर मांग की बात की जाए तो 69 का आंसर हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा, चार ऑप्शन हमारे पास हैं, आंसर हमें बताना है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 69 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नागेंद्र सकलानी करके, सॉरी डी श्रीदेव सुमन, सॉरी इसमें गढ़ सेवा संघ के बारे में बात की जा रही थी, श्रीदेव सुमन है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, गढ़देश सेवा संघ श्रीदेव सुमन। क्वेश्चन नंबर 70 की अगर बात की जाए, हिमाचल और उत्तराखंड को मिलाकर एक बृहद हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जनसमिति नामक संगठन का गठन कब किया गया, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 70 में। तो इसके आंसर की अगर बात करें तो 1950 हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, हिमालयी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल को जो है मिलाकर एक बृहद हिमालयी राज्य बनाने का उद्देश्य से जो प्रगति विकास जन समिति नामक संगठन का स्थापना हुई वो 1950 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहते हैं, देखिए चार ऑप्शन है इसमें। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 71 में। तो चार ऑप्शन हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं, हम सीधे इसके आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो कौन सा सही नहीं है, निम्बर ने जागेश्वर में विमानों का निर्माण कराया था, सुभिक्ष राजदेव को अपनी भुजाओं की शक्ति से शत्रुव्यू को नष्ट करने वाला का बताया गया था, देसठ देव ने प्रतिहार शासक महिपाल के विरुद्ध अभियान किया था, और डी ऑप्शन है सुभिक्ष राजदेव कत्यूरी राजवंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। तो कौन सा कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है, 71 का डी हो जाएगा ये जो है। 72 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहते हैं, निम्न कथनों की पहचान कीजिए, कुणिंद शासकों का संबंध वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जनपद से है, और दूसरे नंबर का ऑप्शन है इस वंश से संबंधित चार मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जिनसे मार्गभूति शिवदत्त हरिदत्त और शिवपालित नामक चार नरेशों का पता चलता है। अब बताना है इसमें कौन सा कथन सही है हमें। क्वेश्चन नंबर 72 में जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसमें पांच हिमालयी खंडों नेपाल मानस खंड केदारखंड जालंधर कश्मीर का उल्लेख है, तो किसमें जो है पांच हिमालयी खंडों का उल्लेख है पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 73 में। तो स्कंद पुराण में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बोल रहे दक्षिणी जो उत्तराखंड पर चौहान शासक विग्रहराज के शासनकाल का शासन का पता चलता है, पर नरेशों का उद्भव जो है हर्ष की मृत्यु के बाद हुआ, वासुदेव ने जोशीमठ में कत्यूरी वंश की नींव रखी, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हमें बताना है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कथन क्या है हमारे पास, ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय 1804 ईस्वी में श्रीनगर से परगना बारहस्यू पट्टी नांदलस्यू में पौड़ी नामक स्थान में बनाया गया, गोरखे स्वभाव से सैनिक सरीके थे,
कुमाऊं और पूर्वी गढ़वाल जो है पर अधिकार करने के पश्चात अंग्रेजों ने मॉरिस टेली को यहाँ का प्रथम कमिश्नर और एजेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 75 में, तो केवल ए जो है केवल पहला कथन इसमें सही है। पहला कथन क्या है, ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय जो है 1804 में श्रीनगर से परगना बारहसी पट्टी और नांदलस्यू से मैं पौड़ी नामक स्थान पर बनाया गया, ये जो है ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 76 को देखिए क्या कहते हैं, सुमेलित कीजिए। चार ऑप्शन हमारे पास हैं, हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई और डिबेटिंग क्लब की स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना और बात की जाए तो कुमाऊं अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना। चार ऑप्शन हमारे पास हैं, हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हमें बताना है, 76 का आंसर हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो है ऑप्शन जो है इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन में क्या है, ए का दूसरा ठीक है और बी का पहला, ए का दूसरा है ठीक है। ए का दूसरा यानी कि 1870 में डिवीडिंग क्लब की स्थापना हुई, 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना बोल रहे हैं ठीक। और इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें बी ऑप्शन की अगर बात की जाए 2143 करके है, 2143 2143 ये चार ऑप्शन है। तो पहले का टू हो जाएगा, दूसरे का पहला हो जाएगा और सी का फोर्थ हो जाएगा और डी की अगर बात करें तो थ्री हो जाएगा। तो अभी इसमें देखिए बात करें हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में और डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में, 1912 में जो है कुमाऊं में कुमाऊं अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना और 1916 में होम रूल लीग की स्थापना, ये करेक्ट हो जाएगा ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत था, 14 था तो हमने उसको 16 करके ये देख लीजिएगा। अब सुमेलित कीजिए पूछ रहा है, तो सुमेलित क्या करना है हमें, कुली बेगार आंदोलन कब हुआ, डोलापाल की, इसके अलावा प्रजामंडल की स्थापना और शराब विरोधी, ये चार ऑप्शन है, ये 23 है ठीक है। तो ये इसमें अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बी का मतलब है 1234 करके है ठीक है। तो जिसके सामने जो है वही उसका आंसर है, कुली बेगार 1921, डोला पार्क की जो है 1923 और प्रजामंडल की स्थापना 1939 और चौथा है डी शराब विरोधी जो आंदोलन है 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहते हैं, देखिए 78 कहते हैं इसमें चार ऑप्शन हमारे पास हैं, निम्बर शत्रुहंता यानी कि हमें मैच करना है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या है करके। 78 की अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 78 की तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कहते हैं देखिए 1234 करके, इसमें भी ऐसी है ठीक, 1234 है। तो अब देखिए निम्बर को क्या कहा जाता है, शत्रुहंता कहा जाता है और भूदेव को परम ब्राह्मण भक्त कहा जाता है। इच्छरदेव महत्वपूर्ण कोई घटना नहीं है इनसे संबंधित कहने का मतलब है। पद्मदेव समस्त दिशाओं को जीतने वाले को पद्मदेव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। तो 79 की अगर आंसर की बात की जाए तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रानीखेत में जो है गोरखा रेजिमेंट नहीं है, कुमाऊं रेजिमेंट है, ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, सुमेलित है पूछा जा रहा है कौन सा। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं, क्वेश्चन नंबर 80 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कहते हैं देखिए 1 2 3 करके है ठीक, 1 2 3 ये सुमेलित हैं कहने का मतलब है, पहला दूसरा और तीसरा। पहला जो है शिल्प सुधारणी सत्ता खुशीराम, कुमाऊं परिषद जो है भद्रित पांडे, गुप्त संगठन कालू मेहरा और युग में सुमेलित है, कौन सा जो है युग में सुमेलित है। तो पहला दूसरा और तीसरा ये सुमेलित हैं, जंगलात बंदोबस्त जो है ये सुमेलित नहीं है इसके अकॉर्डिंग ठीक। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 81 को आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है, 81 में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि खासी प्राचीन प्रजाति नहीं है। राज्य के किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से 5.2 किलोग्राम सोने का मुखौटा मिला है, तो 5.2 किलोग्राम सोने का मुखौटा कहाँ से मिला है, क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा जा रहा है हमसे। तो मलारी गाँव चमोली से, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 83 क्या कहता है, 1898 में जो है अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी, CSI की उपाधि किसको दी थी, 83 क्वेश्चन नंबर में हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर कीर्ति शाह को, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद में जो है पत्र बम फेंका था, तो 84 का आंसर बताना है हमें, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें 84 में त्रिवेंद्र सिंह पंवार करके। गढ़वाल के श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी का विशेष अधिवेशन कब हुआ, ये पूछा जा रहा है, गढ़वाल के श्रीनगर में जो है कांग्रेस पार्टी का विशेष अधिवेशन कब हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1938 में। गढ़वाल मंडल में चलादा यानी कि घूमने वाले के नाम से किस स्थानीय देवता को जाना जाता है, चलादा के नाम से किस जो है स्थानीय देवता को जाना जाता है घूमने वाले के नाम से, तो 86 के अगर आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन महासु। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 87 में, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1917 भी देखने को मिल सकता है कहीं कहीं पर आपको, वर्ष 1918 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 88 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहते हैं, तो वर्ष 1929 में जो है महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनाशक्ति युग के अनुदान का कार्य पूर्ण किया था, 88 के आंसर की बात कीजिए कौसानी, ठीक है, गांधी जी के संबंध की बात की जाए तो कौसानी रहा है। टिहरी गढ़वाल में ढांडक आंदोलन संबंधित था, 89 क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर बताना है, ढांडक आंदोलन किससे संबंधित था, मजदूरों से संबंधित था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 89 की। और 90 क्वेश्चन नंबर 90 हमारे पास है, वर्ष 1941 में गांधी जी ने अपनी ब्रिटिश शिष्या सल्ला बहन को कौसानी भेजा, जहाँ पहुँचकर उन्होंने स्थापित किया तो क्या स्थापित किया, कौन सा आश्रम स्थापित किया, ये पूछा जा रहा है, तो 90 का बी हो जाएगा चनौदा गांधी आश्रम करके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1941 में गांधी जी ने अपनी ब्रिटिश शिष्या जो है सल्ला बहन को कौसानी भेजा था, तो उन्होंने चनौदा गांधी आश्रम करके स्थापित किया था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहते हैं, देखिए निम्नलिखित में से किस ताल में महात्मा गांधी की अस्थियाँ विसर्जित की गई थी, जिसके कारण अब इसका नाम गांधी ताल है, तो कौन से ताल में जो है अस्थि वो की गई थी इनकी गांधी जी की, ठीक है, विसर्जित की गई थी, 91 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा चौराबाड़ी ताल करके। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस शासक ने कुमाऊं में पंचायती सरकार या नियमबद्ध राज्य प्रणाली की नींव रखी, क्वेश्चन नंबर 92 के अगर आंसर की बात करें सोमचंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 93 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी जो है नहीं था, स्वतंत्रता सेनानी कौन नहीं थे इसमें से पूछा जा रहा है 93 का, तो गौरा देवी नहीं थी, ये बना आंदोलन से संबंधित थी, ठीक है। 94 स्वतंत्रता से पूर्व पहला इंडियन ऑर्डर मेरिट वीरता सम्मान पाने वाले पाने का गौरव किसको प्राप्त है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 94 में, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गढ़वाल राइफल्स को। किस सैन्य अधिकारी द्वारा 1827 में जो है पर्वतों की रानी मसूरी की खोज की गई, पर्वतों की रानी मसूरी की खोज किसके द्वारा की गई, 95 का ए ऑप्शन हो जाएगा कैप्टन यंग। और नैनीताल की खोज किसने की थी ये भी आप बताएंगे, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। किस आंदोलन में मोलूराम और नागेंद्र शहीद हो गए, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 96 में, तो कीर्तिनगर आंदोलन करके है ए ऑप्शन। गढ़वाल में झांसी की रानी के नाम से किसको जाना जाता है, ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं इसी वीडियो में, तीलू रौतेली हैं। कुमाऊं की अगर बात की जाए तो जिया रानी ही, जिनको न्याय की देवी के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर। राज्य में प्रारंभिक वास्तुकला के साक्ष्य प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए, क्वेश्चन नंबर 98 की अगर बात की जाए तो कालसी जगतग्राम करके। 99 क्या कहते हैं, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल का मंदिर संबंधित है, कटारमल सूर्य मंदिर है, ठीक है। ऐतिहासिक साक्ष्यों में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है, ऐतिहासिक अगर साक्ष्यों की बात की जाए तो उसमें दूसरा नाम कौन सा है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 100 जो हमारे पास है, 100 नंबर का क्वेश्चन है, विष्णु गंगा करके, ठीक। तो इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे सूर्य मंदिर की, कटारमल के अलावा गुणादित्य करके भी है, ठीक, अल्गुणा में ये भनोली सिमलखेत वाली रोड पे अगर आप निकलते हैं तो वहाँ पे भी है। और यहाँ से जो है अष्टधातु की मूर्ति पहले बहुत पहले चोरी हो गई थी, आज से 30 से 35 साल पहले, तो इस वजह से इसका नाम यहाँ पे हिस्ट्री में देखने को नहीं मिलता है, अभी पुरातत्व विभाग वालों के पास है वो मूर्ति, ठीक। तो और अगर बात की जाए इंडिया में सूर्य मंदिर की बात, तो उड़ीसा भुवनेश्वर यानी कि कोणार्क, ठीक, जिसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 100 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, कैसे लगे आपको वीडियो, जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।